कहते हैं पूत के पांव पालना में दिख जाते हैं। निवाड़ी के धीरेंद्र गुप्ता के बेटे आदित्य निखरा ने ऐसा ही कुछ साबित करके दिखाया है। बचपन से ही मेधावी रहे आदित्य निखरा जून 2014 में एनडीए में भर्ती हुए और एनडीए में भर्ती होने के बाद उन्होंने पुणे के खड़क वासला में 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में शामिल हुए और उन्होंने 1 साल के प्रशिक्षण के दौरान ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्हें पूरे भारतवर्ष में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। आज पूरे देश को उन पर गर्व है। इंडियन आर्मी ये ऑर्गेनाइजेशन इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, जो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकते हैं। डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्म, सर्विस ऑफ नेशन, सब कुछ ही यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि किसी और जगह पर नहीं हो सकता। अच्छा, आप इससे कितने खुश हैं आप? ये तो एक तरीके से आपकी मेहनत का आपको एक स्मृति चिन्ह दिया गया है। बाकी ये कोई ऐसी जगह चीज़ नहीं है जिससे यहाँ पर मेरे को रुकना है। ये बस एक रिकॉग्निशन दिया गया है कि हाँ, आपने मेहनत की, मैंने अपना बेस्ट किया। मेरा एम था ये गोल्ड मेडल लेना, मुझे मिल गया, अब एम आगे है। प्रशिक्षण दौरान आपने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, किन किन कठिनाइयों को झेलना पड़ा? शुरू में जब मैं 12th के बाद सिविल से एनडीए में गया, तब रूटीन एकदम चेंज था। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, गेम्स, रनिंग, हालांकि मैं थोड़ा बहुत करके गया था, बट शुरू में दिक्कत आई, सोने को कम मिलता था, बट धीरे धीरे बॉडी यूज्ड हो जाती है, फिर उसके बाद उस ट्रेनिंग को एंजॉयमेंट लगने लगता है। अच्छा, आपके इस जर्नी के लिए आपके मम्मी पापा का कितना सहयोग रहा? पूरा ही सहयोग मम्मी पापा का ही है। सबसे बड़ा सहयोग तो घर का होता है इस लाइन में आने के लिए। मदर फादर परमिशन नहीं देते, नहीं आर्मी ऐसी है, नहीं आर्मी वैसी है। आज के आधी जनता के दिमाग में यही हो रखा है कि आर्मी बहुत रिस्क है, आर्मी ये है। मदर फादर्स को भी गट्स चाहिए उनको, उनके बच्चे को भेजने के लिए उसमें। तो जब मेरा रिटर्न सिलेक्शन हुआ तो मेरे फादर ने मुझे इमीडिएटली चंडीगढ़ भेजा 10 दिन की इंटरव्यू की तैयारी के लिए। उसके बाद फिज़िकल तैयारी के लिए मेरे साथ ही मेरी फ़िज़िकल्स की तैयारी करे, इससे मेरे को दिक्कत ना आए। पढ़ाई वगैरह में भी मुझे 12th की तैयारी साथ में चल रही थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। घर की तरफ से, डाइट वगैरह की तरफ से मेरी माँ ने मेरा ध्यान रखा। तो पूरा योगदान मदर फादर का ही। ऐसा आपने क्या किया जिसकी वजह से आपको गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया है? क्या आपने पूरी ट्रेनिंग के दौरान क्या स्पेशल किया? जी, ये जो गोल्ड मेडल मिलता है ये आपको मेरिट में फर्स्ट आने पर मिलता है। जो मेरिट बनती है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनती है, आपकी एकेडमिक्स, सर्विस सब्जेक्ट्स, फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स, ड्रिल, पब्लिक स्पीकिंग, ये सबका क्यूमुलेटिव हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, उनकी मेरिट बनती है। तो जो ओवरऑल फर्स्ट मेरिट में होता है उसको ये गोल्ड मेडल मिलता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है, अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। बहुत कम लोग हैं जिनको इस लाइन के बारे में पता है कि यहाँ पर भी आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। तो जो लोग अवेयर होते हैं वो थोड़ा बहुत पता करके एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू में की गाइडेंस के लिए यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप, मेरे पास जितने लोग आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि इस लाइन में ऐसा ऐसा आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, उस बुक से पढ़ सकते हैं। हो सके तो यहाँ मीडिया इसमें मार्गदर्शन, इस लाइन का प्रचार कि यहाँ पर भी हो सकता है, तो एडवर्टाइजमेंट इस लाइन में आने का, तो ये हो सकता है। मेरे बेटे को तो गोल्ड मेडल मिला है, निश्चित रूप से उसने बहुत कड़ी मेहनत की है, और जब इतनी मेहनत के बाद कोई उसका प्रतिफल मिलता है तो माँ बाप को जितनी प्रसन्नता हो सकती है उनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा और एक गौरव का अनुभव हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने कभी सोचा था कि आपके बेटे को इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो? सोचा तो था। एक बार जब मैं एनडीए में था तो वहाँ पर जो सीनियर का पोस्टर लगा होता है उसको देख के मैंने बच्चे से बोला था कि बेटे, आई थिंक यू शुड बी देयर। तब उसने कहा था कि यस पापा, आई विल ट्राई माई बेस्ट ऑन माई लेवल, और उसने आईएमए जाके वो प्रूफ कर दिया। बहुत खुशी हुई कि उसने मेरे उस बात को इतने गौर से समझा और उस पर अपने आप को प्रूफ किया। अपने बेटे की इस उपलब्धि पे आप क्या कहेंगे और उससे और क्या टास्क दिया है आपने, क्या गोल फिक्स किया है उसने? कोशिश ये है कि बच्चा जितना अच्छा अभी कर रहा है ऐसा ही भविष्य में करता रहे, और प्रयास ये है कि सेना के जो अनुशासन है
उनके जो नियम हैं उनके अनुसार आचरण करे और इतना ऊंचा जाए कि हमें और हमारे नगर निवाड़ी को और आप सबको फक्र हो कि ये हमारे नगर का बेटा है। दूसरे बेटे के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? दूसरा बेटा अभी इंजीनियरिंग में है, RGPV यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। CDS के बाद प्लान ये है कि इसके बाद जब वो निकलेगा ग्रेजुएट होके तो एक बार उसको CDS से इसी लाइन में दोबारा पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि CDS क्वालिफाई करे और जाकर आर्मी में एक अच्छा अधिकारी बने। बचपन में आदित्य की क्या एक्टिविटीज रहती थी, किस प्रकार के थे बचपन में आदित्य? बहुत शरारती था पूरा मोहल्ला, जो हमारे आसपास की गली है, एक्चुअली ये घर जैसी गली है, आगे जाके बंद हो जाती है, तो एक घर जैसा माहौल यहाँ रहता था, लेकिन इतना शरारती था और उसके दोस्त जो यहाँ थे वो सब मिलके इतनी शरारतें करते थे कि हम लोग काफ़ी परेशान हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी सभी लोग आनंद लिया करते थे उसमें। स्वाभाविक है कि हर माँ सोचती होगी कि हमारा बेटा आगे चल के हमारा नाम रोशन करे, और वो आपके बेटे ने किया भी है जी, उसको लेके कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं कि पापा का सपना पूरा किया, दादाजी का नाम रोशन कर रहा है और आगे भी इसी तरह करता रहे, बढ़ता रहे, जैसा नाम वैसा काम करता रहे। क्या आपने बचपन में इसकी एक्टिविटी देखी होगी? बचपन में कहीं कभी सोचा था कि इस लाइन में जाके इतना बड़ा नाम रोशन करें? पापा इस लाइन में नहीं जा पाए, इसलिए उस क्षेत्र में जाने के लिए बार बार प्रयास रख तो रहे हैं, लेकिन अंत में वो उस क्षेत्र में चला गया। मतलब इनके पापा भी इस लाइन में जाना चाहते थे? जी हाँ, उन्होंने भर से कोशिश की उसके बावजूद, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें भेजा नहीं, इसलिए उनका था तो उसने पूरा कर दिया पापा का सपना। तो माने आदित्य के पिताजी के मन में हमेशा वो, हाँ वो लाइन अच्छी थी, तीस रही कि हम नहीं जा पाए तो हम अपने बच्चे को भेजेंगे। तीस तो नहीं थी, लेकिन हाँ उस लाइन में उनका था कि इस लाइन में ही हमें करना है करियर, लेकिन दादाजी ने उस लाइन में नहीं जाने दिया, तो उन्होंने कहा कि चलो इसकी इच्छा है तो इसको हम इस क्षेत्र में भेज देंगे। वो उसको भी अब दबाव डाल के नहीं भेजा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो इस लाइन में अपना करियर बनाओ, तो उसने कहा हाँ पापा। अच्छा, सेकंड बहुत ज़्यादा बयां ही नहीं कर पाते कितना करें। आदर की बचपन की एक्टिविटी के बारे में क्या होता है? कहते हैं ना ललना के पांव पलना में दिख जाते, तो हमें ऐसा लगता है जैसे मैं दिख गए हूँ। तो हमने शुरू से ही उसको ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया और तार पे टांग दिया था, एक छोटे से होल से निकाला था, और विपरीत परिस्थितियों में उसको खाने में भी मुंह पकड़ के नींबू निचोड़ दिया, सौंठ का पानी पिला दिया, मतलब ये सब करते रहते। मतलब यूँ कहें कि आपने उसके बचपन से ही उसको अपना एक दोस्त समझ के जी, और उसको जो आर्मी की प्रशिक्षण है वो आपने शुरू से ही देना प्रारंभ कर दिया? जी जी बिल्कुल, दोस्त ही जैसा था और दोस्त ही वो कहता है, वो बाकी मोहल्ले के लोग भी दोस्त ही कहने लगे बच्चे। तो उसको प्रशिक्षण देना आपने शुरू से ही कर दिया? हाँ, छोटे से। क्या आपने उनको लगा था कि हम इसको आर्मी में भेजेंगे? अब जब तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो ट्रेनिंग वो ही थी, अब लग रहा है। निश्चित तौर पर ये प्रसन्नता का विषय है और हम लोगों के लिए गर्व की बात है। आदित्य ने न केवल हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है, और मुझे लगता है ये पहली बार है कि किसी प्रदेश के बच्चे ने IMA में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये सभी के लिए एक हर्ष का विषय है और हमारे लिए तो विशेष तौर पर एक हर्ष की बात है कि हमारा भाई जो है IMA में टॉप किया है, और हम लोग उसको आगे शुभकामनाएँ देते हैं कि वो भविष्य में बहुत अच्छा करे, और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि मेरे बाद अगर मैं तो पुलिस में हूँ, आदित्य आर्मी में है, जो सर्वोच्च मैं मानता हूँ आर्मी को ही, और ये जो इनको पद मिला है ये इस तरीके से आगे बढ़ें कि इस नगर का, इस प्रदेश का नाम रोशन करें, और भविष्य में मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे अवसर हमें प्रदेश की तरफ से मिलने वाले हैं। कभी आप लोग पूरी फैमिली जब बैठते थे, आदित्य छोटा था, उस समय कभी आपको लगा ऐसा मन में कि हम देश सेवा के लिए किसी फैमिली मेंबर को भेजें? मेरे चाचा जी यानी आदित्य के पिताजी का हमेशा से ये एक मोटिवेशन रहा है, और कहीं ना कहीं उनके मोटिवेशन से ही मैं पुलिस में भर्ती हुआ हूँ। एक बार हमारे स्वर्गीय दादाजी ने इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।